इनाम से भी जानू इनाम, अभी जिस तरह हम क्रिकेट की बात करें, दीगर स्पोर्ट्स की बात करें, हमने कहा क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट एक कहले ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन नहीं है। आप लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं फंडिंग के हवाले से? फेडरेशंस बनी हुई हैं, कितनी स्ट्रांग है वो, और आपको कबड्डी और रेसलिंग में कितना लगता है कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? देखें, हम हमेशा जब भी किसी चीज़ में कंपैरिजन करना होता है तो हम फटाफट इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं जी, कि उनसे नहीं हारना, उनको हमने हराना है, इस तरह हम सोचते हैं। तो आपको इस तरह पता चलेगा कि इंडिया का जो भी एक साल का रेसलिंग का बजट है वो 30 करोड़ इंडियन है, ऑलमोस्ट 50 करोड़ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का जो बजट है वो 18 लाख रुपया। तो आप ये देख लें कि 50 करोड़ एक तरफ है और एक तरफ 18 लाख है, इतना बड़ा हमारा गैप है, इतना हमारा बजट कम है। और इस 18 लाख के साथ ही फेडरेशन ने पूरे एक साल में कंपटीशन करवाने हैं, इन्होंने नया टैलेंट तलाश करना है, इन्होंने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग करवानी है। तो इसके अलावा जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो हमें एक दो पहले तो कैंप देता था जब हालात अच्छे थे, पिछली गवर्नमेंट थी, हम तो यही कहेंगे क्योंकि नई गवर्नमेंट जब से आई है तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कैंप लगते थे पाकिस्तान में वो हमारे कैंप भी बंद कर दिए गए हैं, और 8 माह हो गए हैं कोई किसी गेम का कैंप नहीं लग सका। तो आप ये देखेंगे फिर जब आपका कैंप नहीं लगेगा, आपके खिलाड़ी अपने घरों में है, अपने इलाकों में है, तो वो किस तरह आप परफॉर्म कर सकते हैं? अगर परफॉर्मेंस आपने लेनी है तो खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करना चाहिए। हम इसी वजह से शायद रिप्रेजेंटेशन भी कम है आप लोगों के खेलों में। आप ये देखें कि जिस तरह क्रिकेट की बार बार सीरीज होती है, पाकिस्तान एक जगह से आई, दूसरी जगह, तीसरी जगह, इसी तरह हमारी जो रेसलिंग है इसके भी 100 के करीब एक साल में कंपटीशन होते हैं, और हमें भी चाहिए कि हम 10 से 12 13 मुकाबलों में पार्टिसिपेट करें। लेकिन मसला फिर वही फंडिंग का आ जाता है कि फेडरेशन के पास पैसे नहीं होते, और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो एक या दो मुकाबलों से ज़्यादा आपको स्पॉन्सर नहीं करता। तो फिर इसी वजह से हमें साल में एक या दो मुकाबले मिलते हैं। अगर हम वही 15-20 मुकाबले हम भी खेलें तो ये जो मेडल है 100 की तादाद में हो। अच्छा इनाम, अभी आप भी जब गए तो आपको फेडरेशन की जानिब से भेजा गया या आप अपने उन पे गए थे? हमें अभी, मैं जब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया हूँ तो मुझे पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने, हमारे सेक्रेटरी हैं चौधरी अरशद स्तार साहब, उन्होंने मुझे भेजा था वहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया कि अगर आप उनको नहीं मिल रहे पैसे स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, तो फिर भी वो अपनी जेब से अपने तौर पर वो भेज रहे हैं। अच्छा। कि यार चले कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए मेडल तो आए ना। हाँ। तो ये मैं समझता हूँ कि, और एक बड़ी आपको मैं चीज़ बताऊँ कि पिछले 5 साल में 65 के करीब हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, 65 मेडल एक तरफ, और जितनी बाकी स्पोर्ट्स हैं 5 साल में उनके इतने मेडल नहीं बनते। अच्छा अच्छा इनाम, इसी तरह से अभी जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बजटिंग, फंड, ये सारे मसाइल रहते हैं, जब आप भी खेलने जाते हैं, अब हमारे पास चाहे विमेन टीम की कोई आए या हमारे पास मेल आए, वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं हमें पीछे से इतनी बैक सपोर्ट नहीं होती, वहाँ पर वही बात कि फ़ौरन से हमें ऐलान कर दिया जाता है जी आपका फ़लाने से आपने जीतना है, फ़लाने से आपका कॉम्पिटिशन है। उनके और हमारे बजट्स में या फैसिलिटेशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपको भी इसी तरह की प्रॉब्लम रही है? देखिए, ये तो एक नॉर्मल बात है कि जब आप ट्रेनिंग करके यहाँ से जा रहे हैं, आपका बजट भी थोड़ा है, आपकी फैसिलिटीज़ भी थोड़ी हैं, और आपके मुकाबले में जो आ रहे हैं खिलाड़ी पूरी दुनिया से, वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग करके आते हैं, बाहर के मुल्कों में बाहर के खिलाड़ियों से अच्छे एक्सपीरियंस उनको कोचेज मिलते हैं, तो उनका वैसे ही जो है ना वो एक लेवल वैसे ही हमसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि जब आप चले जाते हैं खेलने के लिए तो फिर आपने खेलना है, फिर डू और डाई है, तो आप फिर ये देखते हैं कि मैंने पाकिस्तान का फ्लैग कैरी करना है और फिर मैंने बस करना है, आप जो भी, आप ये नहीं कंप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, फिर आप नहीं कर सकते, फिर आपके पास मार्जिन तो फिर आपने खेलना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम कर सकते हैं, जितनी एफर्ट कर रहे हैं वो तो आप लोग बेहतरीन करते हैं।